हमारी छन्नी प्यारी सी कितनी प्यार पैसे कैंडल्स लेके मम्मी को शौक बहुत है। तो गाइस मैं हो रही हूँ यहाँ पे रेडी और यथार्थ की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा वो बीमार है। क्या बोल रहे हो? पता है यथार्थ की रात में तबीयत खराब थी, यथार्थ को बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे ना मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, ये थोड़ा सा कुछ मेकअप का सामान फैला हुआ है और आज हमें जाना है गाइस करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। सो क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इस वजह से जल्दी जल्दी से तैयारियाँ करनी है बहुत सारी। और मेरा हमेशा का यही रहता है कि लास्ट मोड में मैं बैठी रहती हूँ, मेरे को ये चीज़ लेनी वो चीज़ लेनी है। पहले मैं कुछ और आउटफिट पहन रही थी, अभी मेरा कुछ और डिसाइड हो गया है। वो भी क्या हुआ है वो मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि मैंने रिवील ही नहीं करा कि मैं पहनने क्या वाली हूँ। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि हर बार करवा चौथ होता है तो मैं कुछ अच्छा कुछ स्पेशल हमेशा पहनती हूँ। भले ही मैं अपने मतलब कुछ और फंक्शन छोड़ दूँ कि मतलब उसमें मैं कैसे भी आउटफिट पहन लूँ, पर करवा चौथ मैं एकदम दुल्हन की जैसे रेडी होती हूँ। सो आप लोगों को पसंद भी आता है, पता है यथार्थ समझ गया। यथार्थ को ना मैंने मेथी का पानी इसमें डाल के दिया था, कर दिया था बॉटल में कि ये ना अपना जैसे मिल्क पीता उसके बहाने से ये पी जाएगा। और ये सच में इसे दो तीन सिप तो पी लिया है। अदरवाइज इसको मैं बहुत ऐसे पिला रही थी, इसको पीछे कप भी रखा है और ड्रॉपर भी रखा है, स्पून भी रखा है, कैसे भी करके पी ले पर वो नहीं पी रहा था। हेलो क्या कर ले हो? डब्बे के अंदर जाना है क्या? है इसके अंदर क्या है इसके? ओके ये आपके टॉयज इसमें रह गए थे, ले लो ये। यथार्थ का डायपर ऑर्डर कर दो तो वही है। यहाँ पर जो हमारी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वो सारा सामान रखा हुआ था और वही मैं चेक कर रही थी लिस्ट में कि सारा सामान प्रॉपर है कि नहीं है, और उसको फिर अच्छे तरीके से अलमीरा में सेट करके रखना है क्योंकि ये पूरा मंथली वाइज चलने वाला है सामान। वो कह रहा है बाहर फेंको, दादू दे दो, दादू दे दो। बेटू मेरे को ले देना, 8-10 लाख रुपए दादू ने दी हाथ में, फेक नहीं दे इसको ध्यान। पार्सल खोल ले या था पहले उसको? हाँ इसमें क्या, उसको लगता है हर सामान मेरे ही है। क्या है इसमें? रख दो नाइफ, रख दो। कौन आया? कैसी है आपकी तबियत? अभी भी खराब है। कैसी है आपकी? पता इतनी मुश्किल से मैंने इसको मेथी का पानी दिया। कैसी तबियत आपकी है? ये टैबलेट होल्ड करके रख दो, ये सारा कुछ मैंने ऐसे फैला के रख, बाउल नहीं मिल रहा था, मैं वही छोड़ रही थी। हाँ क्या बात है। और पता है क्या, ऐसे तो क्या है मेरे को जल्दी जाना था मम्मी के साथ में शॉपिंग के लिए करवा चौथ की, बट मम्मी ने इससे पहले पापा साथ में कहीं चले गए, उनको बोला लश्कर से कुछ सामान वगैरह लेके आने, क्योंकि दिवाली पे आई तो दिवाली के जो गिफ्ट है वो उनको डिसाइड करने हैं, तो वो देखने गए हैं। प्लस कुछ मंदिर का सामान भी लेके आना था, आरती वगैरह, वो बड़े वाले आरती आते हैं ना जिसमें वो नवरात्रों के टाइम पे ऐसे, मतलब नवरात्र के दिवाली के टाइम पे लगा के रखते हैं, वो बहुत सारी बातियां लंबे लंबे से बड़े बड़े से वो आरती वाले स्टार्ट होते हैं, वो देखने के लिए गई हुई है मम्मी। सो वो आ जाए उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो क्या है कि एवोकाडो का जो पेस्ट है वो ऑलरेडी बना रखा रहता है, तो इसको जस्ट मैं ब्रेड में स्प्रेड करके दे देती हूँ उसको, थोड़ा सा मतलब आप क्रिस्पी सा कर दो ना तवे में डाल के तो ये बन जाता है। इनको छोटी मोटी भूख के लिए ना मैं बना देती हूँ तो अच्छा भी लगता है खाने में। बस पर मैं आपको बता दूँ, आप इसको सिंपल एवोकाडो लगा के टोस्ट पे खाओगे बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप इसे बहुत सारी चीजें मिक्स करोगे जैसे कि मैं बनाती हूँ, तो उसके अगर आपको चाहिए ना तो मैं इसकी फुल जो शॉर्ट्स वीडियो है वो शेयर करूंगी आपके साथ में शॉर्ट्स में, तो जाके चेक करना। तो इसे बहुत बहुत सारी चीजें डालती हूँ, और लेमन में इसलिए डालती हूँ कि लेमन इनको थोड़ा सा समझ में नहीं आता, अच्छा ही लगता है लेमन। तो मैं आपके लिए लेके आई, यहाँ पे हमारे छोटे पति के सुपुत्र बैठे हुए थे। अच्छा क्या लाई हो? ये कुछ खा थोड़े ना रहा है, खा लो बेटू। कहाँ जा रहे हो आप? बाय बाय। अब सेट तो करूं शुई शुई वापस को जा रहे हो? खेल लो आप, ठीक है? और ये देखो मेरा गॉगल, ये हालत होती है बच्चा होने के बाद में, आपका सामान महंगे से महंगा सामान ऐसे जमीन में पड़ा होता है। मम्मा
मैं गुस्सा हूँ आपसे, मैं गुस्सा हूँ आपसे, मैं बात नहीं करूँगी आपसे। ऐसे खाना है केचप आपको? तो गाइस आज हमने बनाए हुए हैं घर पे होममेड पिज्जा, और ये देखो ये हाथ को सॉस खा रहा है, तो इसमें ना थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ। बेबी कॉर्न्स वगैरह सारी चीजें ऐड करके बनाया है ये, मैंने नहीं बनाया ये हिमांचल ने बनाया है। बेटा तू पूरी सॉस खा के जा रहे हो? ये देखो मम्मी ना मंदिर के लिए बहुत ही सुंदर से ये फ्लावर्स फ्लावर पॉट वगैरह लेके आई हुई हैं, और भी बहुत सारा सामान लेके आई हैं, पर मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपनी शॉपिंग करके, और मैं आपको थोड़ी देर के बाद में दिखाऊंगी मैं क्या 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 चीज़ें लेके आई हूँ। बहुत प्यारे से चीज़ें लेके आई हूँ। उसके अलावा मुझे अभी दादी और बाबा को खाना देना है, तो पहले उनको मैं खाना लगा देती हूँ। जस्ट अभी अभी मैंने अपनी राइस चढ़ाया हुआ है, क्योंकि आजकल मैं रोटी स्किप करके रखी है, राइस ही खा रही हूँ, और सोच रही चेंज कर लूँ, पर अभी चेंज नहीं करूँगी, पहले ब्लॉग को एंड कर दूँगी, खाना वाना दे दूँगी, उसके बाद में चेंज करूँगी, फ्री होकर थोड़ा आराम से रेस्ट करूँगी। आज पूरा दिन भर सच बता रही हूँ ऐसे निकल गया। कई बार ऐसा होता है ना, आप ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हो ना, आपका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाते हो, और रेस्ट भी नहीं मिला, और कल करो चाहते। यहाँ पर मैंने गुनगुने पानी में ये मशरूम को डिप कर दिया है, अच्छी तरीके से पहले इनको मैं क्लीन करूँगी। अनियन ग्रीन चिली मैंने ऑलरेडी चॉप कर ली थी, अब मेरे को ये दो टमाटर भी चॉप करने हैं। साथ ही साथ ये रहा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो लास्ट टाइम यूज़ हो रहा है, अब इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मशरूम कट कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा टमाटर कट करके ऐड कर दिया, वैसे मसाले ऐड करूँगी उसमें, तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दिए, अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमने मटर भी छील ली है, तो हमारा थोड़ा सा मसाला अच्छी तरीके से पक जाए और करेंगे, तो मैं सोच रही मटर ऐड कर ही देती हूँ, उसमें पकता रहेगा साथ में। तो मटर हमारी थोड़ी सी पक चुकी है, तो अब हम इसमें ना ऐड कर देंगे ये मशरूम, और फिर मैं इसको थोड़ी देर ढक के पका देंगे। पहले ना मैं इसको ड्राई वाला बनाई थी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि पता है मैंने बनाया हुआ है राइस, तो मैं राइस के साथ में मशरूम खाऊंगी, तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी तो चाहिए ना, तो इसके लिए ढक दूंगी ना, तो अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा एंड पानी इसका भी सोख हो जाएगा। अभी घर पर मंगाई हुई है कुछ ये फ्रेश वेजिटेबल्स। रोई रोई करके नहीं खाना है, ठीक है ना, अच्छे से खाना है आपको पीनट बटर। चलो वेरी गुड। कहने मम्मी यार गई हुई थी ना वहाँ पे लश्कर, माँ कैसे लेके आएंगे, और चीजें तो लेके आई थी ना, अरे ऊपर लेके आए। अच्छा, कुछ चाची क्या भी दे दिया, ऐसे धूप बत्ती और लोहा बन वगैरह, और ये मम्मी लेके आई, ये बहुत अच्छी है दवाई भी। हाँ, ये इसकी कैल्शियम वाली दवा है जो कि इसको देते हैं, अब इसकी स्टेज बढ़ गई है, इसकी क्योंकि बड़ा हो गया ना, ये बहुत प्यारी लग रही है। इसमें मतलब लोहा बन मिला ना, ऊपर दिया है ना, ये बहुत सुंदर लग रही है। एक चाची का, एक दादी का, एक मम्मी का, एक मेरा, हम चारों लोगों के कर रहे हैं यहाँ पे। और ये रहा पूजा का वो कैलेंडर वाला, ये रही हमारी छन्नी प्यारी सी, ये रहे सारे कर रहे हैं, बाकी वगैरह है देखो। तो ये अलग अलग उसकी बत्ती फ्रेग्रेंस की अलग अलग खुशबू आती है, इससे जलता एकदम धुआं धुआं सा हो जाता है पूरे घर में। तो बस ये थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग थी, और बाकी आपको हमारा करवा चौथ का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, बढ़िया सा। नहीं वो मंदिर वाले बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो भी जी छोटे हैं, छोटे फैक्ट्री के लिए। आप प्रसाद भी लेके आई हो ना, गाड़ी में रखा है, तो मम्मी फैक्ट्री के लिए भी सारा सामान लेके आई है, बाती वगैरह, कुछ धूप बत्ती वगैरह भी, कुछ कैंडल्स वगैरह भी। हाँ मेरे ढेर सारी बत्तियाँ, ये घर में तो थोड़ी सी काम आएंगी, फैक्ट्री में पूरी लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ रोज मंदिर में आरती होती है, इसलिए। छन्नी प्यारी लग रही है वैसे, कितना सुंदर कलर लग रहा है इसका। अब इसके अलावा वो भी रह गया अभी अपना, उसकी शॉपिंग दिवाली गिफ्ट की फैक्ट्री वाले स्टाफ के लिए ना, जाना था आज देखने। हाँ आप पापा कह तो रहे थे कि जाएंगे ना देख के आएंगे, मेरे को लगा आप लोग देख के आओगे ज्यादा, आज बहुत मेंबर हैं, बहुत सारे अब ज्यादा हो गए हैं लेबर यहाँ की मिला के। हाँ अपने घर का स्टाफ और फैक्ट्री का बहुत लोग हैं, आंटी वगैरह सब लोग।
तो देख लिया आप लोगों ने शॉपिंग जो मैं करके लाई थी, मम्मी पापा जो सामान लेके आए हुए थे वो सारा। और उसके अलावा मतलब हमारे घर पे क्या है कि थोड़ा सा कैमरा शाय है सब लोग, तो मेरे हस्बैंड का भी नेचर ऐसा काफ़ी अच्छा बोलने वाला है, सो वो काफ़ी मजाक करते हैं, बट वो कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते। ऐसे में मदर इन लॉ का रहता है कि अगर मैं वीडियो ले रही हूँ ना, उन्हें पता है कैमरा ऑन है, तो थोड़ा शांत हो जाएंगी, मतलब कैमरे में थोड़ा सा मतलब खुल के नहीं आती हैं। इसलिए मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करा, मतलब मम्मी को पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मतलब मैंने मम्मी से बोला आप ऐसे नॉर्मली जैसे रहते हो वैसे बातें करा करो, क्योंकि आप यूट्यूब जो फैमिली है ना, मतलब हमारी जो यूट्यूब फैमिली है और वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और आप लोग मतलब बोलते भी काफ़ी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, दादी माँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, फैमिली को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हो, तो इसलिए मैंने मम्मी से बोला। तो धीरे धीरे करके ऐसा थोड़ा खुल जाएंगी वो। बस अब वेट है करवा चौथ का आप लोग को और मुझे भी, सो अब हम मिलते हैं आपसे करवा चौथ वाले ब्लॉग में आई थिंक। सो अगर ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।